नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी के बारे में। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में पिछले कई दिनों से तनातनी की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को चुनौती देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अब उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। वो बिहार में 7 साल पहले जिन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की थी, वो आज वो बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और बता दें कि मुकेश सहनी फिलहाल 165 नेताओं को प्रभारी बनाकर यूपी भेजने की तैयारी में हैं। खुद सहनी 15 अगस्त को लखनऊ में मीडिया सम्मेलन करना चाहते हैं। बिहार की सियासत में कम समय में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मुकेश सहनी अब उत्तर प्रदेश में अपना पाँव पसारना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने पूर्व सांसद और निषाद नेता फूलन देवी की पुण्यतिथि पर सहनी उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने के लिए वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन ना तो सहनी प्रतिमा लगाने में सफल हो पाए और ना ही वो वाराणसी में प्रवेश कर पाए। मुकेश सहनी आज भी उस दिन को भूल नहीं पाए हैं और अब वे एक बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में एंट्री की प्लानिंग बना रहे हैं। आपको बता दें कि अब वे 18 प्रतिमाओं की जगह 50,000 प्रतिमा लगाने की तैयारी में है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दैनिक जागरण से बात करते हुए बताया कि फूलन देवी की 50,000 प्रतिमाएं बनवा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में घर घर में लगाई जाएगी। इसके साथ ही साथ लाखों लॉकेट भी पार्टी बनवा रही है, जिसमें फूलन देवी की फोटो लगी होगी और यह लॉकेट युवाओं में बांटी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी बहाने फूलन देवी का संदेश घर घर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने दैनिक जागरण से बात करते हुए यह भी कहा कि अगले महीने वीआईपी के 165 नेता प्रभारी बनकर दो पहिया वाहन से उत्तर प्रदेश जाएंगे, जहां अब 4 महीने समय बिताएंगे और संगठन को मजबूत करने के साथ योगी की नीतियों की खामियों से लोगों को अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी 15 अगस्त को लखनऊ में जाएंगे, जहां वो मीडिया सम्मेलन करेंगे और चुनावी रणनीति को लेकर मीडिया से बात करेंगे। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस दौरान मुकेश सहनी निषाद समुदाय से जुड़े कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन को वीआईपी में शामिल करा सकते हैं। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। आखिर में उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से यूपी में पार्टी बड़ी जीत कराएगी। पिछले दिनों जब मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं दिया गया था, तब पटना आने के बाद उन्होंने कहा कि योगी सरकार एक जाति विशेष के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर जो कुछ हमारे और हमारी पार्टी के साथ यूपी में हुआ, उसमें सबका साथ सबका विकास की झलक नहीं दिखती है। उन्होंने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ एक व्यक्ति से डर गए, उन्हें एक व्यक्ति से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा हो गया। योगी आदित्यनाथ कैसी सरकार चला रहे हैं तो उन्हें इतना डर लगता है, कैसी सरकार के मुखिया हैं वो। मुकेश सहनी ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने गए थे। उनके समाज जितना यूनाइटेड होता, उससे ज्यादा यूनाइटेड योगी आदित्यनाथ ने अब कर दिया है। बिहार एनडीए में मुकेश सहनी बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं और मुकेश सहनी इस सरकार में मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाकर उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन अब वे उत्तर प्रदेश चुनाव में अकेले मैदान में उतरना चाहते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि मुकेश सहनी और योगी आदित्यनाथ के बीच में कब तक तनातनी की स्थिति रहती है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी कितनी सीटों पर जीत पाती है। तो ये थी मुकेश सहनी और योगी आदित्यनाथ के बीच तनातनी की स्थिति की खबरें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।